हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अमेज़न ऐप डेवलपमेंट सीरीज। और इस पार्ट पे हम लोग कार्ड पेज का यूआई कंप्लीट करेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे देख लो, ऐसा डिजाइन इस वीडियो के बाद फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे हम कस्टम फॉन्ट भी ऐड करने को देखेंगे कि हम कस्टम फॉन्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। पूरे जगह इंटीग्रेट नहीं करेंगे, बस ऐड करके देखेंगे कि ऐड कैसे करना है। उसके बाद से आप लोग मैनुअली यदि चाहते हो तो सारे जगह फॉन्ट सेट कर सकते हो। और गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने कमेंट किया है सोर्स कोड के लिए, यार मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि आपको सोर्स कोड यहाँ पे मिल जाएगा। देखो, यदि मैं आपको सोर्स कोड फ्री में दे देता हूँ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। 99 रुपये कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, वो तो आपको डेली का पॉकेट मनी होगा। नहीं होगा तो यार मंथली का होगा, उतना आप कलेक्ट करके ले सकते हो। और मैं यही कहूँगा, यदि आप सोर्स कोड बाय भी करते हो ना, तो सोर्स कोड से कॉपी मत करो, पहले कोड करो, दिक्कत आए तब सोर्स कोड जाके देखो। ओके, और गाइस मैं आपको बता दूं, सोर्स कोड आपको ओनली वेब का नहीं मिलेगा, सबका मिलेगा। जो परचेज करेगा यहाँ से, उसको जितने भी रिपोर्ट सीरीज से रिलेटेड आएंगे सबका एक्सेस मिलेगा। जिन जिन लोगों ने परचेज किया हुआ है ऑलरेडी, उनको वेब, एंड्रॉयड ऐप, जो भी रेपो इस पे कनेक्टेड होगा, दो रेपो ऑलरेडी प्रेजेंट टाइम में कनेक्ट है, एक वेब का है, एक रिएक्ट नेटिव का, दोनों का मैंने उनको एक्सेस इनविटेशन गिटहब पे सेंड कर दिया है। जिन्होंने एक्सेप्ट किया होगा उनको दिख रहा होगा, जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया होगा उनको पेंडिंग होगा। वो अपना ईमेल चेक करें या फिर गिटहब का नोटिफिकेशन चेक करें। तो प्लीज फ्री के लिए आप लोग कॉमेंट ना करो, ट्राई करो। 99 है, इतना ज़्यादा मैंने हाई नहीं रखा है, इतना रखा है ताकि कोई भी ले सकता है नॉर्मली। तो गाइस चलो, टाइम को ना वेस्ट करते अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो। गाइस देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे, देखते हैं हमारा ऐप लॉन्च हो गया। देखो अभी एरर दे रहा है, देखते हैं होता है या नहीं होता है। आई होप, देखो दिख गया, कोई नहीं, को रिप्लेस करना पड़ा है। देखो गाइस, अभी हमारे कार्ट स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है, और हमें डिजाइन कैसा क्रिएट करना, ऐसा क्रिएट करना। चलो चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चलूंगा स्क्रीन, कार्ड स्क्रीन, राइट। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो मैंने क्या किया है, टॉप पे ये बटन लगाया है, बटन ही यूआई लगाया है। इसके लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा वेब बटन में, राइट। चलो करते हैं, मैं दो चीजें चेंज करूंगा। पहले कंपोनेंट पे जाऊंगा, वेब बटन डॉट सॉरी जेएसएक्स पे जाऊंगा, और यहाँ पे पैरामीटर पास करूंगा लाइक दिस, लेबल एंड फॉन्ट साइज। और फॉन्ट साइज को डिफॉल्ट में 16 सेट कर दूंगा, जिससे कि हमारा यहाँ पे आ जाएगा फॉन्ट साइज लाइक दिस। एंड लेबल में यहाँ पे सेट कर दूंगा लाइक दिस, राइट। इसको मैं सेव करूंगा। उसके बाद चलता हूँ अब प्रोडक्ट कार्ड डॉट सी एस एक्स पे, क्योंकि हमने यहाँ पे वेब बटन को कॉल किया है, तो हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा प्रॉक्स लाइक दिस एड टू कार्ट। ये हो गया, अब यहाँ पे एरर नहीं देगा। फॉन्ट साइज पे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ, यदि आप नहीं ऐड करोगे तो बाय डिफॉल्ट 16 ले लेगा। अब मैं चलता हूँ कार्ट स्क्रीन पे गाइस। तो कार्ट स्क्रीन पे हमने मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज रिमूव कर देनी है, राइट। अब मैं एक व्यू लू, ऑलरेडी मैंने व्यू लिया है ना, वेब बटन को कॉल कर लूंगा, वो तो बाद में होता रहेगा। वेब बटन को मैंने कॉल किया लाइक दिस, एंड यहाँ पे मैं लेबल पास कर दूंगा योर कार्ड। देखो मैंने योर कार्ड क्यों लिखा है, क्योंकि तो माई कार्ड नहीं होता, माई कार्ड मतलब एप्लीकेशन का, जो इसका डेवलपर है या फिर जिसने भी जिसकी कंपनी है। योर कार्ड का मतलब जो यूजर है। पहले सारे जगह आपको माई दिखेगा, लेकिन आप जितने भी रियल लॉजिक वाले एप्लीकेशन या फिर प्रोडक्शन मतलब बेस्ट लेवल के, वहाँ पे योर आपको दिखेगा। आप खुद सोचे यार माई कार्ड क्या होता है, ये एप्लीकेशन मेरा थोड़ी ना, मैं तो बस यूज कर रहा हूँ ना, ये तो मेरा कार्ड यानी कि योर कार्ड होगा ना। मैं एप्लीकेशन वाला बता रहा है कि आपका कार्ड है, राइट। दैट्स अब देखो ये फॉन्ट हमें थोड़ा सा इसमें सेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे करता हूँ फॉन्ट साइज 20, हो गया कंप्लीट, दैट्स गुड। अब देखो मैं क्या करूंगा गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जो जस्टिफाई सेंटर, इसको मैं रिमूव कर दूंगा,
क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट था कि ये टॉप पे आ जाए, राइट। अब चलो चलते, हमें क्या करना है, लिस्ट दिखाना है लाइक दिस, ये फॉन्ट इसके वास्ते ये है ना। तो मैं क्या फ्लैट लिस्ट दिखाऊंगा, फ्लैट लिस्ट है, फ्लैट लिस्ट है, हाँ में कंफ्यूजन हो गया, कोई नहीं। मैं यहाँ पे फ्लैट लिस्ट को कॉल करता हूँ, फ्लैट लिस्ट क्रिएट करूंगा लाइक दिस, एंड देन यहाँ पे पहले मुझे डाटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, स्क्रीन लिस्ट वाले पे जाऊंगा और ये डाटा जो है ना कंप्लीट को कॉपी करूंगा लाइक दिस। मैंने कंप्लीट कॉपी किया ना, कॉपी किया यहाँ पे कार्ट स्क्रीन पे आया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। अब देखो मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे कुछ चीजें रिमूव करनी है, राइट। ये तो पहले फालतू का ही रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे फोटोज नहीं चाहिए, ओनली फोटो चाहिए। देखो मैं यहाँ पे एमआरपी रिमूव करूंगा, सारे में जितना भी एमआरपी है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल एक्स करता हूँ, नहीं होगा, कंट्रोल एक्स हो गया डिलीट सारे जगह एमआरपी। अब देखो मैं क्या ऐड करूंगा, पहले बार तो फोटो को सारे जगह मैं फोटो करूंगा, फोटोज को यस हटा दूंगा क्योंकि यहाँ पे मैं सिंगुलर यूज करूंगा, ओनली वन इमेज। और फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो ये है ना लाइक दिस, मैं ऐसे करता हूँ, ये मैंने हटा दिया। अब मैं चलता हूँ एंड पे, देखो कुछ जगह सोल्यूशन मिलेगा कुछ जगह नहीं मिलेगा, देखते कहाँ कहाँ मिलता है, सारे जगह मिल जाए। देखो सारे जगह मिल गया, हो गया राइट। आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है, आप मैनुअली करो या फिर क्विक का यूज करो, हाँ जी बीस। अब हमें इसमें क्या करना है, क्वांटिटी ऐड करनी है सारे के अंदर, क्वांटिटी ऐड करनी है, तो मैं बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी पेस्ट कर देता हूँ। या एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं जाऊँगा, एक को सेलेक्ट करूँगा, मैं डिलीट कर देता हूँ, देन मैं प्राइस को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, सारी जगह आ गया, देन एंड पे चलता हूँ, एंटर करता हूँ, क्वांटिटी पेस्ट करता हूँ, राइट। सारे के अंदर क्वांटिटी आ गया, मैं रैंडम नंबर कर देता हूँ, 3 हो गया, 2 हो, सॉरी यहाँ पे 2 हो गया, 5 हो गया, मैंने क्वांटिटी सेट कर दिया, ये हो गया ना। अब एक चीज बता दूँ, यहाँ तो हमने प्रोडक्ट की आईडी यूज किया है, लेकिन ये हमारी वेरिएंट की आईडी होगी, राइट। चलो जी बढ़िया, अभी मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, लिख देता हूँ कार्ट आइटम, कार आइटम्स लाइक दिस। तो मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, इसका काम खत्म। अब देखो फ्लैट लिस्ट के अंदर मैं डाटा पास करना होता है, मैं डाटा पास करता हूँ कार्ट आइटम्स, देन रेंडर आइटम्स, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाइस, लाइक दिस दिस एंड आइटम रिसीव हो जाएगा। देन यहाँ पे आऊंगा लाइक दिस, मैंने कर दिया, ध्यान से देखो। अब मैं यहाँ पे एक व्यू कॉल कर देता हूँ ताकि ये एरर ना दे। अब मैं सेव करता हूँ, एरर खत्म, कोई एरर नहीं दिया, चलो जी बढ़िया। अब मुझे क्या करना है, देखो हमें एक इमेज लगाना है, एक व्यू लेंगे, सॉरी एक इमेज, देखो इस व्यू के अंदर मैं एक इमेज लूंगा, फिर एक व्यू लूंगा, और ये वाला मैं कॉपी पेस्ट करूँ। चलो करते हैं, इसके अंदर मैं एक इमेज लेता हूँ लाइक दिस, एंड देन एक व्यू लूंगा लाइक दिस, व्यू को क्लोज भी करना है। एंड देन देखो हमने ये चीज कहाँ पे किया था, ये चीज कहीं ना कहीं तो ऐड किया था ना, आई थिंक हाँ प्रोडक्ट डिटेल्स पेज, तो चलते हैं डिटेल्स पेज पे, और यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कहाँ पे है देखते हैं, क्वांटिटी एट कार्ट, देखो आप कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकती है, ये रहा आपका, यहाँ से व्यू को कॉपी करो, कंप्लीट मैंने कॉपी किया इस व्यू, देखो ये मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से एक लाइन बनना है यहाँ लास्ट तक, क्योंकि मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लाके जस्ट नीचे पेस्ट कर दिया, राइट।
अभी ये एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि हमने टचेबल ओपेसिटी को कॉल नहीं किया, राइट। ये हो गया इंपोर्ट। यहाँ पे मैं आइकन भी इंपोर्ट करना होगा। मैं आइकन कौन सा यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा? मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा आइकन फ्रॉम रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन स्लैश। ये आप करोगे ना, स्लैश करने के बाद जैसे ही टाइप करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा, स्पेलिंग मैच करो लाइक दिस। कोई एरर नहीं है, राइट। देखने में कुछ दिख नहीं रहा, क्यों? देखते हैं, दिखना तो चाहिए ना, कुछ भी हमें दिख नहीं रहा है। कोई नहीं, इसको पहले तो मैं कहाँ गया यार, इमेज एक सेट करता हूँ, क्योंकि इमेज देखो हमें चाहिए, विदाउट इमेज के हमें कुछ नहीं होगा। तो मैं सोर्स सोर्स खुल जा भाई, मैंने इमेज गलत तो नहीं लिखा, सोर्स लाइक दिस यू आर आई एंड आइटम डॉट फोटो, अब भी नहीं दिखा। अब देखो हमें वैसे इमेज दिखेगा नहीं, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, स्टाइल देना होगा इमेज में विथ एंड हाइट। मैं इमेज में देता हूँ स्टाइल, स्टाइल विथ 50 एंड ऑल्सो हाइट 50। दिखा? अभी भी नहीं दिखा। क्यों नहीं दिख रहा? काम करते हैं, मैं फ्लेक्स देके देखता हूँ। स्टाइल फ्लेक्स 1, स्टाइल मैंने ऐड नहीं किया ना। अच्छा देखो, मुझे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा विथ फ्लैटलिस्ट का स्टाइल, वैसे तो बाय डिफॉल्ट दिखता है, क्रॉस चेक कर लेते हैं विथ। अब यहाँ पे मैं फुल विथ थी, तो डायमेंशन डॉट गेट विंडो डॉट विथ। अब जैसे मैंने डायमेंशन किया ना, डायमेंशन टॉप पे इंपोर्ट हो गया फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, राइट। अब भी नहीं दिखा, क्यों? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करता हूँ, वेब बटन को मैं कमेंट कर देता हूँ, तब देखता है, तब भी नहीं दिख रहा। अच्छा जी, फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे सेट करूँ तो रेंडर आइटम के अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन, ये क्या हो रहा है यहाँ? मैं फिर ये कर दूँ तो क्या नाम है, क्रॉस ओरिजिन, क्योंकि ये भी ऐड करना पड़ता है इमेज के लिए, वैसे इमेज लोड नहीं होता है। क्रॉस ओरिजिन एनोनिमस, ये ऑटो टाइप नहीं हो रहा है, हिंट नहीं आ रहा है। क्रॉस ओरिजिन एनोनिमस, एक काम करता हूँ इसको हटा के देखता हूँ, डिलीट को हटाता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को कॉल करता हूँ, इसमें दिखता है What's going on? Render item. Guys, देखो यार कुछ नहीं, दिक्कत जानते हो क्या है? इसको पहले कमेंट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे ब्रैकेट दूसरा यूज कर लिया। जी जी नहीं होगा, ये होगा ऐसे लाइक दिस। अब देखो एरर आया ना, यहाँ पे ये आ गया था, ठीक क्या? मैं तभी सर्च कर रहा था क्यों नहीं दिख रहा, इमेज अब भी नहीं लोड हुआ, क्यों? मैं एक बार देख लेता हूँ सोर्स, वैसे तो स्पेलिंग सही है सोर्स का, एस ओ यू आर सी एस ओ यू आर सी इक्वल टू डिस्ट यू आर आई आइटम डॉट फोटो, क्रॉस ओरिजिन मैंने सेट ही कर दिया, स्टाइल हाइट एंड विड्थ सेट ही कर दिया है। एक बार रिलोड कर देते हैं, शायद दिख जाए इमेज। ये इंटरनेट के वैसे हो सकता है लोड ले रहा, कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, कोई नहीं। चलो अब इसके अंदर चलते हैं, ये वाला पोर्शन सेट करते हैं, राइट। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे क्या चाहिए, मैंने एक व्यू लिया है ना, इसके अंदर एक दो टेक्स्ट लेंगे, चलो लेते हैं
और यहाँ पे हो जाएगा आइटम डॉट नेम, लाइक दिस मिल गया। दूसरा क्या है, प्राइस, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा प्राइस, और यहाँ पे मैं रूपी साइन ऐड कर दूंगा लाइक दिस। काम करता हूँ गाइस, इस इमेज को मैं एक और व्यू के अंदर डाल दूं, तो क्या दिक्कत है, व्यू ऑटोमेटिक क्लोज नहीं हो रहा, ये अलग दिक्कत है। एक काम करते हैं, हमने कहीं पे व्यू का यूज किया, इमेज का यूज किया है, वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कार्ट वाले में। यहाँ पे मैंने यूज किया टचेबल ओपेसिटी राइट, मैं यहाँ कॉपी करूंगा, ये हो सकता है बाय मिस्टेक कुछ हो। देखो यार दिक्कत कुछ नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत है इमेज इंपोर्ट हो गया दूसरी जगह एसवीजी हो गया था, लेकिन हमके रिएक्ट नेटिव से चाहिए था। अब दिखेगा, देखो आ गया, तभी से वही दिक्कत थी। अब मैं क्या करता हूँ, देखो हमने क्या किया, मैं कॉपी कर लेता हूँ यार, ऑलरेडी मैंने लगा दी इमेज टैग को, कॉपी कर लेता हूँ। वैसे इमेज में स्टाइल नहीं है, स्टाइल यहाँ पे राइट, मैं इस स्टाइल का कॉपी करता हूँ, यहाँ मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे नीचे एक काम करता हूँ, मैं पूरा कॉपी नहीं करता हूँ, बस ये चीज कॉपी करता हूँ, स्टाइल सीट का यूज नहीं करूंगा, और यहाँ पे मैं स्टाइल देता हूँ, स्टाइल लाइक दिस पेस्ट करता हूँ, ये हो गया। अब इसमें थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा, देखो ये तो रहेगा सेम, लेकिन जो बॉर्डर रेडियस है इसको मैं कर देता हूँ 35, और यहाँ पे मैं वेट कर देता हूँ 70, हाइट 70 एंड एलिवेशन मैं 5 कर देता हूँ राइट, दैट्स नाइस, हो गया ना। अब देखो हमें इसमें डिवाइडर लगाना पड़ेगा, इसके लिए मैं क्या करूँगा, फ्लैट लिस्ट में आऊंगा, एंटर करूंगा, एक आता आइटम सेपरेटर कंपोनेंट राइट, और यहां पे मैं क्या करूंगा, व्यू, एक व्यू लूंगा क्लोज लाइक दिस, और इसके अंदर मैं स्टाइल ऐड करूंगा, चलो करते हैं स्टाइल लाइक दिस, बॉर्डर रेडियस, सॉरी बॉर्डर बॉटम, क्योंकि देखो हमें क्या चाहिए, बॉटम में लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बॉर्डर बॉटम विथ, और इसको मैं दूंगा 0.6 राइट, बढ़िया भाई। अब यहाँ पे मुझे मार्जिन वर्टिकल देना पड़ेगा ताकि स्पेस दिखे, 10 दे देता हूँ नाइस। अब कलर भी बॉर्डर रेडियस का देना पड़ेगा, देखो इसमें ग्रे दिख रहा है, इसमें ब्लैक दिख रहा है, चलो करते हैं बॉर्डर बॉटम कलर, और यहाँ पे दे दूंगा लाइट ग्रे नाइस। अब यार देखो यहाँ पे क्या है, पैडिंग है, यहाँ पे पैडिंग नहीं है राइट, चलो जी बढ़िया, इसमें बढ़िया क्या है, थोड़ा सा स्टाइल लेते हैं क्या, एक काम करता हूँ मैं टॉप पे जो ये है ना, यहाँ पे मैं पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 16 आई हो जाए, तो टॉप का हुआ, उनको इसको अभी चाहिए, अच्छा नहीं यहाँ पे काम किया, कहीं और काम करेगा कोई नहीं। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे जो व्यू है ना इसमें दे देता हूँ, रो मैंने दिया है, पहले तो मुझे गैप देना होगा, गैप ये तो हो गया, और यहाँ पे मैं पैडिंग, देखो मैं मुझे टॉप बॉटम नहीं चाहिए, बस लेफ्ट राइट चाहिए, तो मैं करूँगा पैडिंग हॉरिजेंटल, और यहाँ पे मैं 20 दे देता हूँ, दैट्स नाइस, कुछ हद तक सही हुआ, एकदम हुआ। यहाँ पे देखो किसी इमेज का प्रॉब्लम है और लोड नहीं हो रहा, ये वाला मैं एक इमेज को चेंज कर देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट नाइस। अब देखो गाइस क्या करना है हमारा, हमें इसका स्टाइल, अब हमें इसका स्टाइल करना राइट, दैट्स नाइस, चलो करते हैं
ये स्टाइल मैं कहाँ करूंगा गाइस, कहाँ गया नेम, ये रहा नेम। टेक्स्ट का मैं स्टाइल देता हूँ स्टाइल फॉन्ट साइज मैं 16 दूंगा एंड ये हो गया। सॉरी गाइस मैंने कहीं और दे दिया क्या, नहीं चाहिए। कलर मैं ग्रे दूंगा मैंने स्पेलिंग तो सही लिखा है। अच्छा ग्रे ऑलरेडी। अब देखो मुझे क्या करना है, हमें प्राइस का भी स्टाइल करना है। चलो करते हैं प्राइस प्राइस स्टाइल। इसका मैं फॉन्ट साइज 18 दूंगा, फॉन्ट साइज 18 एंड कलर मैं ब्लैक दूंगा, कलर ब्लैक नाइस। और यहाँ पे मैं फॉन्ट वेट दूंगा, फॉन्ट वेट 700 राइट। अब देखो यहाँ पे मैं डॉट, यहाँ पे डॉट 0 ऐड कर देता हूँ, दिखेगा सही। अब देखो मैं क्या करूँगा यार, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है ना, नहीं यहाँ पे ये स्पेस चाहिए, यहाँ पे स्पेस चाहिए, यहाँ पे स्पेस नहीं है, कोई नहीं इसको। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, देखो भाई मैंने गलत किया, क्या गलत किया, ये हमारा कंप्लीट रहेगा टेक्स्ट, ये दोनों एक के अंदर रहेंगे राइट। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो टेक्स्ट है ना इसको मैं कट करूंगा और इस व्यू के ऊपर निकाल दूंगा राइट। दैट्स आप ये जो व्यू है ना, ये इसके नीचे वाला व्यू, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा जो मैंने कॉपी पेस्ट किया था, इसको मैं कट करता हूँ और जस्ट इसके नीचे पेस्ट कर दूंगा इस व्यू के अंदर। अभी भी सही नहीं हुआ, चलो अभी स्टाइल करेंगे क्योंकि तो तब जाके सही होगा। स्टाइल अब देखो मुझे क्या करना है, देखो ऑलरेडी इसको मैं ऐसे करता हूँ, ऑलरेडी मुझे ये कंप्लीट एक व्यू के अंदर लेना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ इसको कंप्लीट कॉपी करता हूँ इस व्यू के वास्ते, इमेज व्यू के वास्ते मैं कंप्लीट को कॉपी करूंगा यहां पे। मैं एक व्यू लूंगा और इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा राइट। दैट्स नाइस, अब आ गया। अब देखो अब मैं यहाँ पे स्टाइल करूंगा, प्राइस के जो प्राइस पे है ना उसका जो पेरेंट व्यू है यहाँ पे मैं स्टाइल ऐड करूंगा राइट। चल जी बढ़िया, एंटर फ्लेक्स डायरेक्शन रो, फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो गया। अब यहाँ पे हम एक इधर चाहिए एक लास्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन हो गया, नहीं हुआ फिर दोबारा करते हैं, रिलोड करना पड़ेगा लग रहा है। कोई नहीं, फ्लेक्स एंड ऐसे कैसे हो सकता है, टेक्स्ट डायरेक्शन दो कोई नहीं। अब हमें इसको नीचे चाहिए, ये चीज नीचे चाहिए इसके स्पेस में इक्वल में। मैं करता हूँ अलाइंड आइटम फ्लेक्स एंड आ गया, क्या दिक्कत है यार, लास्ट में जाना चाहिए। देखो इस यहाँ पे भी हमें एक स्टाइल ऐड करना पड़ेगा, स्टाइल इक्वल टू लाइक दिस फ्लेक्स वन। अब ये कंप्लीट है क्योंकि ये यहीं तक ले रहा था, जब हम फ्लेक्स वन ऐड करेंगे तो ये लास्ट तक लेके जाएगा। अब देखो क्या करना, एक चीज और ऐड करना है, ये हमारा इक्वल स्पेस दिख रहा है ना और यहाँ पे इक्वल नहीं दिख रहा है, इसके लिए मैं क्या करूंगा
जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, हो गया दैट्स नाइस, एग्जैक्ट बन गया ना हमारा। अब देखो मुझे क्या करना है, ये इतना ही ऐड करना है क्योंकि ये पूरा फुल आ रहा है, नीचे में ये भी तो ऐड करना है। इसका मैं साइज फिक्स करूंगा, और ये साइज कहां से फिक्स होगा, फ्लैट लिस्ट में जो हमने स्टाइल दिया है, यहाँ नहीं विथ नहीं दिया था, ये रहा विथ, इसको थोड़ा एंटर कर लेता हूँ ताकि हमें सही से दिखे। यहाँ पे मैं हाइट दूंगा साइज मैक्स हाइट, मैक्सिमम कितना हाइट जाएगा, तो डायमेंशन डॉट गेट विंडो डॉट हाइट और डिवाइड कर दूंगा 1/5, हो गया इतना हो गया। इसमें कितना दिख रहा है, कुछ ज्यादा ही दिख रहा है यार, इसमें कितने प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट, इसमें कितने प्रोडक्ट, 6 प्रोडक्ट दिख रहे हैं, मुझे इसे कम करना होगा। आओ इसको मैं भी टी करूं तो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मैं इसको 2 कर देता हूं। ऐसे कर देता हूं 5 प्रोडक्ट ना, तो 1.98 1.8 सही लग रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये स्क्रॉल दिख रहा है, तो मैं इसको करता हूँ हाइट, तो वर्टिकल स्क्रॉल इंडिकेटर फॉल्स राइट, दैट्स नाइस। अब देखो मुझे क्या करना है गाइस, अब मुझे क्या करना है, आ गया ये चीज ऐड करनी है राइट, चलो करते हैं। फ्लैट लिस्ट को मैं करूंगा मिनिमाइज, यहाँ से कोलैप्स मैंने कर दिया, और फ्लैट लिस्ट जैसे ही खत्म होगा मैं नीचे आऊंगा, एक व्यू लूंगा व्यू, और इसमें पहले स्टाइल ऐड करूंगा, स्टाइल, और सेम काम मैं करूंगा यहाँ पे भी विथ इक्वल टू डायमेंशन डॉट गेट विंडो डॉट राइट, देन अगेन पैडिंग हॉरिजेंटल, कहाँ गया यार, पैडिंग हॉरिजेंटल 20 एंड देन मार्जिन टॉप। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक और व्यू लूंगा क्योंकि हमें ये राउंड बनाना है ना, चलो लेते हैं व्यू, इस व्यू के अंदर एक और लेता हूं व्यू, एंड देन यहां पे मैं स्टाइल स्टार्ट करता हूँ, स्टाइल पैडिंग 16 बॉर्डर विथ 0.8 एंड देन बॉर्डर कलर लाइट ग्रे एंड लास्ट बॉर्डर रेडियस 15, हो गया दैट्स। अब देखो मुझे क्या ऐड करना है, ऐसे ऐड करना है यानी कि एक व्यू के अंदर ये फिर व्यू के अंदर दो टेक्स्ट, फिर व्यू के अंदर दो टेक्स्ट, चलो जी बढ़िया, एंटर करता हूँ, एक व्यू लेता हूँ उसके अंदर दो टेक्स्ट लेता हूँ राइट, एक तरफ मैं लिखता हूँ सब टोटल, सब टोटल सम टोटल लिख दिया मैंने, सब टोटल हो गया, और दूसरे में मैं रैंडम प्राइस कुछ भी डाल देता हूँ क्योंकि रियल प्राइस तो जब कैलकुलेट होगा तभी आएगा, हो गया। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके पैरेंट व्यू को स्टाइल दूंगा, स्टाइल
फ्लेक्स डायरेक्शन रो। देन जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन राइट। अब यहां पे देखो मुझे क्या चाहिए, नीचे का ये लाइन चाहिए राइट। चलो मैं करता हूं बॉर्डर बॉटम विथ, ये कितना हो जाएगा 0.5 हो गया। अब यहां पे मैं बॉर्डर बॉटम कलर भी दूंगा, बॉर्डर बॉटम कलर, और यहां पे मैं लूंगा लाइट ग्रे हो गया। पैडिंग वर्टिकल सिक्स पैडिंग भी चाहिए राइट, ये हो गया। अब मैं स्टाइल करूंगा टेक्स्ट को, तो पहले मैं सब टोटल वाले को स्टाइल करता हूँ, स्टाइल फॉन्ट साइज 16, फॉन्ट वेट 700 लाइक दिस, एंड फॉन्ट कलर ब्लैक, सॉरी कलर ब्लैक राइट। दैट्स गुड। सेम काम मैं कॉपी करूंगा स्टाइल को, इस वाले में पेस्ट करूंगा, ये भी वैसे ही हो गया। बट यहां पे मैं जो फॉन्ट साइज है 20 करूंगा एंड फॉन्ट वेट को 900 करूंगा। दैट्स गुड। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये जो व्यू है ना, थ्री टाइम मैं तो टू टाइम पेस्ट करूंगा, कॉपी कर कॉपी भी किया, वन टाइम टू टाइम राइट। और लास्ट वाले में मैं क्या करूंगा, हमें लास्ट वाले में ये नहीं चाहिए, लास्ट वाले में ये जो बॉर्डर बॉटम है ना, इन दोनों लाइन को रिमूव कर दूंगा सीएसएस का, ये हट गया। दैट्स गुड। अब देखो मुझे क्या करना है, टोटल ऑन शिपिंग मैं लिखता हूँ यहाँ पे, पहले तो इसको जीरो कर देता हूँ शिपिंग वाले को, और यहाँ पे लिख देता हूँ शिपिंग, ये हो गया शिपिंग लाइक दिस। एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टोटल, टोटल लाइक दिस हो गया ना, एग्जैक्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे आइटम मुझे दिखाना है, तो आप दो काम कर सकते हो, या तो इस टेक्स्ट के अंदर एक और टेक्स्ट ले लो, एडजस्ट मैं यही करता हूँ, या तो व्यू लो, या तो आप एक व्यू लो और उसके अंदर फिर आप दो टेक्स्ट लो। तो मैं डायरेक्ट टेक्स्ट ही ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ लाइक दिस कार्ट आइटम डॉट लेंथ, और क्या लिखा है 10 आइटम्स, 10 हो गया। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आइटम लाइक दिस हो गया। अब इसको मैं एक ब्रैकेट में लूंगा, यहाँ से मैं ऐसे करूंगा, ऐसे तो उल्टा हो गया लाइक दिस। अब इसमें मैं स्टाइल ऐड कर देता हूं, स्टाइल फॉन्ट साइज 16 होगा, अभी देखते हैं सही आता है कि नहीं आता। फॉन्ट वेट 400 एंड फॉन्ट कलर, सॉरी कलर ग्रे, नाइस दैट्स गुड। देखो परफेक्ट दिख रहा है, दिख तो रहा है, आप फॉन्ट साइज हटा दो एग्जैक्ट दिखेगा, बट मैं फॉन्ट साइज ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा सही दिखे। यदि आप इसमें स्पेस डालना चाहते हो, यहाँ पे देखो ऑलरेडी ये तो पड़ गया है, हमें डालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी स्पेस पड़ गया है, एक्स्ट्रा चाहते हो बस स्पेस डाल दो, सेव कर दो, इतना स्पेस आ जाएगा राइट। अब देखो मुझे क्या करना है गाइस, यहाँ पे बस प्रोसीड टू चेकआउट का बटन क्रिएट करना है। चलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, इसको मैं मिनिमाइज करूंगा व्यू को कंप्लीट, और एंटर करूंगा लास्ट टचेबल ओपेसिटी, एंड इसके अंदर टेक्स्ट, और यहां पे क्या टाइप करूंगा, प्रोसीड टू कार्ट
प्रोसीड टू चेकआउट, चेकआउट राइट। चलो इसमें स्टाइल करते हैं फटाफट, स्टाइल विथ डायमेंशन डॉट गेट विंडो डॉट विथ और इनटू कर दूंगा 0.9 लाइक दिस, हो गया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे क्योंकि ये साइड में आ गया, ये सेंटर में आ गया। अब मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप भी दूंगा 16, सही से दिखे, नीचे गया। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बैकग्राउंड देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक राइट। अब हमें टेक्स्ट कलर, इस कलर भी देना पड़ेगा वाइट। अब देखो ये तो ऐसे तो दिख नहीं रहा है, चलो ऐसे बनाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पैडिंग वर्टिकल 16 एंड क्या करूंगा फॉन्ट साइज 18 नाइस। अब देखो मुझे बॉर्डर रेडियस ऐड करना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस 10 दिख रहा सही से, देखते मैच करके। आप फॉन्ट पे मत जाना क्योंकि जब हम कस्टम फॉन्ट सेट करेंगे ना तब पता चलेगा। यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करता हूँ, फॉन्ट वेट 700 ताकि थोड़ा सा और अच्छा दिखे, हो गया ना। देखो हमने सक्सेसफुली गाइस कंप्लीट कर लिया है कार्ट स्क्रीन को। अब मैं क्या करूंगा, कस्टम फॉन्ट ऐड करूंगा ताकि यहाँ पे मैं सेट कर सकूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो भी फॉन्ट चाहिए आप डाउनलोड करो, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है। आप गूगल फॉन्ट पे जाओ, गूगल फॉन्ट, और यहाँ पे कोई फॉन्ट ओपन करोगे ना तो डाउनलोड का बटन आ जाता है। मैं इसको दिखाता हूँ, जैसे देखो रोबोटो है ना, यहाँ पर डाउनलोड फैमिली करूँगा तो कम्प्लीट डाउनलोड हो जाएगा। मैंने इंटर डाउनलोड किया है, दिखा देता हूँ वो भी, इंटर ने इस फॉन्ट को डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है और इसको एक्सट्रैक्ट करता हूं। तो मैं चलता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करना है, देखो यहां पे आपको क्या करना है मैं दिखाता हूं। डॉक्स पोल के कस्टम फॉन्ट इन रिएक्ट नेटिव, फर्स्ट ब्लॉक को मैं ओपन करता हूं। देखो अब करना क्या है, आपको एक ये फोल्डर बनाना है असेट स्लैश फोल्डर रूट डायरेक्टरी में। सेट हमें मेरे में ऑलरेडी है तो मैं ओनली फॉन्ट नाम से एक फोल्डर क्रिएट करूंगा फॉन्ट राइट। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, एक फाइल क्रिएट करूंगा रिएक्ट नेटिव कॉन्फिग डॉट जेएस, वो भी रूट में। ऐसे करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैं रूट में फाइल क्रिएट करता हूँ राइट। और इस कोड को मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा, लेकिन ये देखो ये चीज आप हटा देना, स्लैश हटा देना। इसको मैंने क्लोज किया, देखो जितने भी फॉन्ट आपको चाहिए यहाँ से कॉपी करो, जहां भी आपने रखा है कॉपी करो, और उसके बाद आप फॉन्ट वाली डायरेक्टरी में आ जाओ जो अपने असेट्स के अंदर फॉन्ट रखा है राइट। मैं करता हूँ यहाँ पे, सर यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, मैंने पेस्ट किया, ये सारा फॉन्ट आ गया। आप ऐसे ही चाहिए इंटर हाइफन ब्लैक जो फॉर्मेट है टेक्स्ट का, ऐसे ही आपको चाहिए ऐड, क्योंकि अब क्या करेंगे, देखो ये चीज नहीं करना है क्योंकि हम लोग को लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं तो हमारा इससे ऊपर ही होगा। तो मैं npx react native asset रन करने से पहले आपको सब कुछ बंद करना होगा। यहाँ पे ये सर्वर मैंने बंद कर दिया, और कोई सर्वर चालू है, यदि है तो क्लोज कर लो, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं। फिर मैं यहाँ पे करूँगा एंटर पेस्ट करके npx react native hyphen asset। अब देखो यहाँ पे आ गया लिंक tts फाइल, iOS के लिए भी हो गया एंड्रॉयड के लिए भी हो गया, चलो कोई नहीं। अब मैं करूँगा यहाँ पे रन npx react native स्पेस रन एंड्रॉयड, एंड्रॉयड मैंने गलत कर दिया,
रन एंड्रॉयड अब देयर, हर बार गलत कोई नहीं, मैं चलता हूँ पैकेज पे, पैकेज डॉट जेसन में, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और npx के बाद से पेस्ट कर देता हूँ, और npx React Native रन एंड्रॉयड एंटर करता हूँ। अब देखो सर्वर यहाँ इस बार यहाँ पे स्टार्ट हो, मैं ए प्रेस करूंगा, आई होप एरर ना देगा, इस गारंटी नहीं क्योंकि कई बार एरर दे रहा है जब फॉन्ट सेट कर रहे हैं तो। जब मैं डेवलप कर रहा था ना इतना ज़्यादा स्टक हुआ था पूछो मत, और दिक्कत कुछ भी नहीं थी, कई बार वर्क कर रहा है कई बार नहीं वर्क कर रहा है, चलो सक्सेसफुली हो गया विदाउट एरर के, यहाँ तक कि मैंने सब कुछ यूज कर लिया था लेकिन काम नहीं कर रहा था। और फिर मैंने रिस्टार्ट किया सिस्टम को, ऑटोमेटिक वर्क करने लगा। देखो मैं यहाँ पे आऊँगा, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, देखो अभी इंस्टॉल हो रहा है, देखो हो गया ना इंस्टॉल। अब देखो मैं यहाँ पे सेट करता हूँ पहले, तो ये फॉन्ट वेट यहाँ से हटा देंगे नहीं तो वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे फॉन्ट फैमिली डालता हूँ, फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे क्या एंटर इंटर है ना, इंटर हाइफन बोल्ड, देखो चेंज हो गया लाइक दिस, चेंज हो गया ना एग्जैक्ट। यहाँ पे इसको भी चेंज करना है, चलो इसको भी कर लेते हैं। फ्लैट लिस्ट के अंदर आते हैं, टेक्स्ट हमने नेम कहाँ पे यूज किया यहाँ पे ना, चलो यहाँ पे मैं डालता हूँ फॉन्ट फैमिली लाइक दिस, एंटर हाइफन रेगुलर, यही नाम है ना, देख सकते हो जो फॉन्ट का नेम है फॉन्ट हाइफन रेगुलर है, रेगुलर, देखो नाइस अब सही दिखता है। ऐसे आप लोग कस्टम फॉन्ट ऐड कर सकते हो, और गाइस बता दूं यार आप लोग सोर्स कोड बाई कर सकते हो ओनली 99, इतना कॉस्टली नहीं है, इतना आपका पॉकेट मनी होगा वीकली, एक वीक का पॉकेट मनी इसमें इन्वेस्ट करो और यूज करो। लेकिन तभी मैं यही करूँगा कि सोर्स कोड डायरेक्ट यूज मत करो, खुद टाइप करो, जहाँ स्टक हो वहाँ से सोर्स कोड में देखो कि मैं स्टक कहाँ पे हो रहा हूँ, राइट, क्योंकि वहाँ पे आपको जब कमिट्स पे जाओगे ना तो डिफरेंस दिखते हैं कि पुराने कोड में क्या था और नए कोड में क्या चेंजेज आए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने चेंज क्या क्या किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।